रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गया स्टार्ट। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाले दिन में क्या किया था? तो कल वाले दिन में हमने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का तुमको दो डेफिनेशन बता, मतलब एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम क्या करेंगे एम इंटू जी इंटू एच से लिखेंगे, और दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा हमने बात किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब दोनों में याद क्या रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एच इज टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन, एच इज टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन, एच इज टेकन फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ये याद रखना है। और इसमें इसमें एक्स कहां से ले रहे हैं, तो एक्स इज एलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एक्स इज एलोंगेशन, एक्स इज एलोंगेशन और कंप्रेशन, एलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अच्छा और इसके बाद मैंने आपको क्या किया था, मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था, नेचुरल लेंथ। इसके बाद मैंने क्या किया था, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अगर बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स तो दो तरह, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन कैसे बताया था, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था आपको। एग्जाम्पल क्या था कि अगर ये एक रेफरेंस लाइन है और एक ऑब्जेक्ट है, इस रेफरेंस लाइन है और एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एम आस का कोई ऑब्जेक्ट था, और इस एम आस के ऑब्जेक्ट को अपने को क्या करना है, कैपिटल एच हाइट लिफ्ट करना है। एम आस का ऑब्जेक्ट है और अगर इसको आपको कैपिटल एच हाइट लिफ्ट करना है, तो यहां पर अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड आउट करता, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप फाइंड आउट करोगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया था, माइनस में एम जी एच। अब मैंने बोला ऐसा सीधा सीधा क्यों लेके जाना, मान लो अगर इस तरह का रास्ता है, अगर इस तरह का रास्ता है और इसका भी हाइट जो है वो h का है, ग्राउंड से इसका भी हाइट अगर h का है, तो यहां भी वेट का जो वर्क डन आया था, इस वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहां पर भी ग्रेविटी का जो वर्क डन आया था वो माइनस mg है। या मैंने आपको क्या बोला था, आप कैसे भी दुर्गम रास्ता ले लो, किसी तरह दुर्गम रास्ता आप कंसीडर कर लो, इस दुर्गम रास्ते का हाइट अगर h है, और आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके जाना है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, अगर ये पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, माइनस में 2g * h। इसका मतलब ये था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन, आप कैसे भी पाथ में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराओ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन, द वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज माइनस mg h। तो हमने ये बोला था कि ये जो ग्रेविटी फोर्स है वो एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड पोजीशन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और नॉट ऑन द पाथ। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या लिखोगे, द फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिल्कुल, द फोर्स For which the force for which the path is the force for which the path is the force for which the work done the force for which the work done is independent of the path is independent of the path। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा फिर किस पर डिपेंड करता है, तो लिख देना वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन, वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क डन आपको क्या लगे, जिसका वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, आप उस तरह के फोर्स को क्या बोलोगे, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा हमारे सिलेबस में कौन सा कंजर्वेटिव है, तो याद रखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स जो अपने सिलेबस में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी नहीं होगा, अभी बस इतना बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स अपने सिलेबस में अभी आएगा, वो एक तो है वेट फोर्स, वो आएगा वेट फोर्स, और दूसरा आएगा दूसरा और क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स, वेट फोर्स, और ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। अच्छा और क्या याद रखना है सर इसमें, और याद रखने वाली बात है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होगा सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होगा, तो हमारे सिलेबस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करूं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में अभी बात करेंगे, और आगे जाके जब हम फ्लूइड्स पढ़ लेंगे ना, तो हम वहां पर एक नया फोर्स देखेंगे जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स,
सुना होगा कहीं पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हमारे सिलेबस में है वो एक तो होगा फ्रिक्शन और दूसरा क्या होगा विस्कस फोर्स। अच्छा, अब एक और कुछ कुछ बातें जो याद रखनी है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करते हैं। देखो मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स कौन बता रहा है, वेट और स्प्रिंग, और अगर देखोगे तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी आपको क्या किया था, वेट का पोटेंशियल एनर्जी बताया था और इलास्टिक का पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब जो बातें है ना सर, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको एग्जाम में सब पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव्स के लिए क्यों नहीं फाइंड किया जाता, डिफाइन कर सकते, चलो बताते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट था ग्राउंड पे रखा हुआ था और हमें क्या करना था, इसको एच हाइट ऊपर लेके आना है, ऐसे एच हाइट ऊपर लेके आना है। अब एच हाइट अगर ऊपर लेके जाओगे तो यहां पर अगर वर्क डन बाय अब बाय डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोला था, ये जो एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो डेल्टा यू के बराबर है, मैंने ऐसा बताया था क्या? Yes, तो अगर आप देखोगे तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिखूंगा, U final minus U initial। अब देखो जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था, ग्राउंड पे रखा हुआ था, उस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो मान लिया जाता है, उसको जीरो मान लेते हैं। फिर जब ये एच हाइट ऊपर चला गया, इस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम इंटू जी इंटू एच का हो जाएगा। तो अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहां से कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो हो जाएगा एम जी एच माइनस जीरो, और यही हमने पहले भी फाइंड आउट करके आपको दिखाया था कल वाले लेक्चर में, मैंने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन फाइंड आउट करके बताया था। आप या तो डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके फाइंड आउट करो, या क्या करो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो माइनस होगा वहां से भी मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि मान में पार्टिकल को ऐसे ऐसे अजीब से रस्ते पे अगर ऊपर ले जाओ, तभी अगर आप देखो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा और इस वाले पॉइंट एनर्जी एमजीएच होगा। तो आप देखो यहां भी हो, यहां पर एमजीएच के लिए आपको पूछा एक्सटर्नल एजेंट को, मतलब अगर पार्टिकल को इस वाले पॉइंट से यहां लेके जाना है और एक्सटर्नल एजेंट का कोई ऑप्शन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, यू फाइनल माइनस यू एमजी राइट। अच्छा, मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका जो वर्क डन आप पे डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और इसका फाइनल पोजीशन क्या है। लेकिन अगर मान लो पानी में थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, ये बोला गया कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक पार्टिकल पार्टिकल को मैं पहले से सीधा लेके जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लेके चले गए और फिर इस पार्टिकल को क्या करें, यहाँ लेके चले, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ लेके जाओगे कुछ ना कुछ पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लेके जाओगे आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मान लो नेट वर्क डन, तो नेट वर्क फ्रिक्शन यहाँ पर बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रिक्शन 1 प्लस वर्क डन फ्रिक्शन 2। अब जो वर्क डन यहाँ पर हुआ और जो वर्क डन यहाँ पर हुआ अगर उसको ऐड करके मान लो डायरेक्टली अगर मैं इस पार्ट के लिए जाऊंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि जितना फ्रिक्शन यहाँ पर मिला यहाँ पर मिले, यहाँ का वर्क डन ऐड करने पर गारंटी नहीं है। तो फ्रिक्शन जो है, अगर फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स होता ना तो यहाँ अपने को पाथ पे तो सोचना ही नहीं पड़ता कि किस पाथ के अलावा आप पार्टिकल को मूव करा रहे हो। कंजर्वेटिव मोशन में अगर पाथ क्लोज रहा तब तो वैल्यू जीरो ही हो जाता है। हाँ, मैं बताऊंगा, वो अभी पहुंचेंगे वहां पे। अभी ये जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना है सबको कि अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका जो वर्क डन है वो पाथ पर कैसे डिपेंड करेगा। जैसे अगर फ्रिक्शन है तो यहां से यहां का वर्क डन और यहां से यहां का वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे कुछ अलग वैल्यू मिलेगा, और जब आप यहां से यहां इनिशियल और फाइनल का डायरेक्ट वर्क डन अगर कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया सर, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। और तुम देखोगे आपको समझ में भी आ रहा होगा, जैसे देखो अगर यहां से यहां का लेंथ अगर L है और यहां से यहां का लेंथ अगर B है,
तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर में। अच्छा, अब अगर ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसा रखा है, ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, तो नॉर्मल जो होगा वो एम जी के बराबर होगा क्या, बोल सकते हैं ना ऐसा? तो देखो फर्स्ट वाला जो फ्रिक्शन है, ये वाला जो वर्क डन होगा, इस वाले वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा माइनस में एम इंटू जी इंटू एल, एक म्यू वाला फैक्टर भी होगा, म्यू इंटू एम जी एल। इसका वर्क डन अगर देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में म्यू इंटू एम जी इंटू बी। लेकिन जब आप यहां से यहां का वर्क डन देखोगे तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा म्यू एम जी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन इज नॉट इक्वल टू दिस वर्क डन। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन है वो एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ चेंज करने से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? ये सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसने भी ये डाउट रेज किया थैंक यू फॉर द डाउट, शायद अगर वो रेज नहीं करते तो मैं शायद नहीं बता पाता। सबको आई थिंक ये डाउट समझ में आ गया। देखो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, आप किसी भी पाथ से लेके चले जाओ, आप इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, जैसे हमने वेट वाला जो एग्जांपल देखा उसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन, वर्क डन जो होगा उसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को चेंज नहीं किया। लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आया क्या सबको? यस सर। ओके ओके। अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में? तो फॉर अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलवेज जीरो। ठीक है, बहुत ही महंगा नोट है, वैसे ये नोट मिल जाता है लोकल मार्केट में भी मिल जाता है ये नोट, लेकिन फिर भी अब बताना जरूरी है। ठीक है, ये इतना महंगा नहीं है, लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, हर दूसरा आपको बता सकता है। ठीक है, अब फॉर क्लोज पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्यों हो गया सर? मान लिया जाए एक पार्टिकल था, तो रहते हैं ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल परेशान हो गया, ये पार्टिकल तो कितना धुआं है मेरे को, बार बार ऐसे ऊपर जा रहा है, वही छोड़ रहा है, नीचे ला ही नहीं रहा है। तो ये पार्टिकल को इस बार क्या करते हैं, इस पार्टिकल को हवा में लटकाते नहीं है, इस पार्टिकल को नीचे भी लेके आते हैं। तो मान लो मैंने इस पार्टिकल को क्या किया, पार्टिकल को ऐसे ऊपर लेके चले गए और पार्टिकल को वापस से नीचे भी ला देते हैं। ठीक है, अब अगर देखो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन माइनस एम जी एच लिखेंगे क्या? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी, सेम ग्रेविटी का वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो देखो जब पार्टिकल नीचे आएगा तो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल अगर जीरो है तो वर्क डन यहाँ पर प्लस में एम जी एच लिख पाएंगे क्या? यस सर। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कंप्लीट पाथ का वर्क डन बता दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन कंप्लीट पाथ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर कंप्लीट एम जी एच माइनस एम जी एच जीरो, कंप्लीट पाथ का वर्क डन जो है वो जीरो आ गया क्या? मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। कैसे सर? एक और एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? ये तो एक तरीका हो गया समझने का सर, एक और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? हमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब सिंस ग्रेविटी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो सीधा सीधा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर लिखना है, नहीं वो अभी मैंने नहीं बताया ना, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन प्लस में एमजीएच, और जब पार्टिकल माइनस में, हाँ जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी नहीं, हाँ तब सर पॉजिटिव हो। मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कब? जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ये प्लस माइनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्लस माइनस गायब करोगे कंसेप्ट गायब हो जाएगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर, एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर, यू आर नॉट ऑडिबल, आई हैव योर मैसेज।
Sir, can you listen to us? Sir, you are not audible. No, sir, not audible. No, sir. Still not audible. Yes sir. Audible sir. Wire problem है क्या? अरे wire problem नहीं, ये laptop problem है. ये laptop mechanic को देना है तो वो बोलता है कि दो दिन का time लगेगा. तो दो दिन अगर दे सर, नया laptop ले सबसे अच्छा है सर. वो mechanic की बात मत लेके जाएगा सर, कोई duplicate वाला लगा देगा सर, काम खत्म. अब देखता हूँ. देखो मैं एकदम अच्छा सा सोच रहा हूँ, सेटअप खुद में खर्च करूंगा. मैं सोच रहा हूँ कैमरा वैमरा खरीदूंगा, मैं ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके भी डालूंगा. मैं अच्छा सा सोच रहा हूँ सेटअप सेटअप लगाऊं, देखो कब लगाता हूँ. लाख डेढ़ लाख का खर्च है, मैं करता हूँ, करता मैनेज. अभी अभी वॉइस ऑडिबल है क्या? अच्छा, तो अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो तुमको बहुत ही गरीब सा लगता होगा, वो जल्दी अमीर बनने वाला है. तुम देखोगे कि हाँ सर, फिर आप फेमस हो जाएंगे. तो सर, आप दो चीज कर सकते हैं. सर, हम डायमंड प्ले बटन अनबॉक्सिंग करेंगे क्लास में. हाँ ठीक है, वो बहुत दूर है अभी. हाँ सर, आप दो चीज कर सकते हैं. पहला सर, आप वो किट मिनी प्ले वाला हटा दीजिए, और दूसरा आप सर, हाँ सर, किड्स वाला हटा दीजिए. तो यूट्यूब प्रमोशन से होता है, तो उसपे क्या होता है, यूट्यूब चैनल अगर आप उसका प्रमोशन प्रीमियम पे लीजिए, ज्यादा नहीं कॉस्ट करेगा सर, कुछ 100 rupees आसपास स्टार्टिंग. आप ट्राई कीजिएगा. वो क्या करेगा, हर पेज पे आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब होता नहीं है कि बहुत लोग यूट्यूब खोलेंगे तो आपका वीडियो ऑप्शन में दिखाएगा सर्च, मतलब उसके रिलेटेड में तुरंत दिखा देगा, मतलब ऊपर थोड़ा. अच्छा, नहीं तो मैं जल्दी वो सेटअप करने वाला हूँ. मेरा अच्छा खासा, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर को आई कन्वर्ट माई हाउस टू स्टूडियो. ठीक है सर, कैरी मिनाटी वाला जैसे बना दीजिए. क्या कुछ भी लिख देंगे, हो जाएगा ब्रांडिंग. अच्छा वापस आते हैं. अभी वो दिल्ली दूर है, अभी वो स्टार्ट भी नहीं किया है. मतलब लोग अभी स्टार्ट नहीं किए, और तुम क्या बोलू की घर में घर में बेटी की जन्म, बेटे का जन्म नहीं हुआ है, शादियां की तैयारी पहले हो चुकी है. ऐसा नहीं करना है. तो अभी वापस आते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल नीचे. अगर इसको नीचे ले जाने का वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, तो देखो फोर्स एक्सटर्नल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, तो ये वर्क डन हो जाएगा माइनस में MGH. तो अगर आप देखोगे तो देखो ग्रेविटी फोर्स का जो वर्क डन है ना, वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के जस्ट ऑपोजिट आ रहा है. जब ग्रेविटी ऊपर लेके जा रहे थे तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन माइनस MGH था, और एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन आया वो प्लस MGH आया है. तो मैंने इन दोनों को एनालाइज करके ये लिख दिया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा. ग्रेविटी फोर्स का जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के नेगेटिव होगा. या आप इसको जनरलाइज करके सर, फिर से आपकी आवाज चली गई सर. हाँ अब आ रही होगी सर. सॉरी, अरे वो कॉल वाल भी आने लगता है ना, पता नहीं इतना कॉल क्यों करते लोग मेरे को. वर्क डन बाय फेमस हो ना. हाँ मतलब वो फेमस बनने अबाउट टू बी फेमस, इसलिए लोग अभी से डायमंड प्ले बटन देखा है ना कि जो भी मेहनत होता है ना वो स्टार्टिंग का होता है. एक बार थोड़ा बहुत भी अगर लाइक करने लगे ना लोग, तो फिर वो हो जाता है. इतना कोई बड़ा बात नहीं. सर मेन होता है कंसिस्टेंट रहना, मतलब हर वीक पे आप पोस्ट करते रहेंगे तभी होगा. हां वही होता है. सर आपका इंट्रो, सर आपका इंट्रो पर कैरी के जैसा रखना है. हां सर, एक्चुअली वाले देना स्टार्ट कर दो, इंट्रो एकदम कैरी के जैसा रखूंगा. सर मेरा मीन्स भैया लोग भी जब उन्होंने अटेंड फिजिक्स वाला का वीडियो देखा था, वो बता रहे थे उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं था, 200k सब्सक्राइबर उस टाइम उतना ही था. अभी तो मिलियन पहुंचा, लेकिन बोल रहा था धीरे धीरे, मतलब एक बार ग्रो करना स्टार्ट होता है ना 1 मिलियन के बाद, वही तो धीरे बढ़ते जाते हैं. देखो क्या होता है ना कि अनअकैडमी की जैसे आप भी एक बना दीजिए इंस्टीट्यूट,
तुम्हारी मर्जी है ना, तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो करना, नहीं तो छोड़ दो। और ये मैं अभी ये नहीं सोच रहा, ये मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। छोड़ो छोड़ो। तो वर्क डन बाय मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप बोलोगे, मतलब इन अ जनरल केस अगर आप बोलोगे ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और हमने ये देखा था कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है वो डेल्टा यू के बराबर है। तो आप इन दोनों को यूज करके एक रिलेशन बना सकते हो। कभी भी अगर आपसे बोला जाए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट करने को, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और कभी अगर आपको बोला जाए, कभी आपको बोला जाए कि फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देना। अब ये महंगा नोट है, ये तुमको हर मार्केट में नहीं मिलेगा भाई साहब, ये जो नोट है ये महंगा है। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला जाए तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लेना, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला जाए तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर लेना। बस एक कंडीशन याद रखना चाहिए, रखा होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये मेंशन रहे, स्लोली स्लोली स्लोली। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब वर्क डन फॉर अ क्लोज पार्ट बाय फॉर अ क्लोज पार्ट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, देखो अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं और मुझे ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो ग्रेविटी फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, फाइनल भी जीरो होगा क्योंकि वापस से मैं उसी पोजीशन पर आ गया, तो जीरो माइनस जीरो करोगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आई होप ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट सबको समझ में आ चुका है। मेरा एक डाउट था इस पॉइंट पर। बोलो अर्पित। सर अगर वो कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर भी होगा क्या उसका वर्क डन जीरो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाथ सर्कुलर है, जैसे ये लोअर क्लासेस में ना 9th-10th में बच्चों को क्या सिखा देते थे कि इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो, इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। सर ये गलत 100%। ये गलत स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो हमने एक प्लेन लिया था ना, ऐसा एक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया था, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या कर रहे थे, हम घूमकर वापस ऐसे अगर आ गए, तो अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप घूमकर यहां से यहां वापस आ जाओगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो वैल्यू को देगा, वो जीरो नहीं होगा। यस, वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टेंजेंट की तरफ होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, रिलेटिव मोशन डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप देखोगे तो हर इंस्टेंट पे जो वर्क डन आएगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होता जाएगा, और इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा जो भी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, अगर मान लिया जाए फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी इंटू 2πr, ये तुम्हारे पास फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होगा। लेकिन अगर फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है और आपने जहां से स्टार्ट किया था आप घूमकर वापस वहीं पर आ गए, तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आपने फॉर्मूला क्या देखा अभी, कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा सर, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जैसा है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजिशन का है वही पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजिशन का भी होगा। तो जीरो माइनस जीरो अगर कर देंगे या जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज तो अपने पास जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये बात सबको समझ में आया है। यस सर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव थोड़ा बहुत समझ में आया। लेकिन अगर वर्क डन जीरो हो गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, तो फिर गलत कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा लिखा है, मान लो इफ वर्क डन इज गिवन टू बी जीरो, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वर्क डन जीरो तो तब भी आता है जब फोर्स जीरो है, या अगर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर जीरो हो जाए। अब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर जीरो होने के लिए डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना कंपलसरी नहीं है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, इफ एफ वेक्टर 90 हो जाएगा तो भी हो जाएगा।
बिल्कुल, इफ एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देन वर्क डन इज जीरो, ये याद रखना है। तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि सर क्या अगर डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये बोल सकते हो कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, जैसे तुमने क्या किया, दीवार पर फोर्स लगाया, ये दीवार थी घर की, घर पे एक दीवार थी, ठीक है, तुम बहुत गुस्से में थे, तुमने क्या किया, गुस्से में सोचा कि दीवार ही तोड़ दूंगा, इतने गुस्सा है कि दीवार ही तोड़ दूंगा, तो तुम गए दीवार को, दीवार पे धक्का लगाने स्टार्ट किया। वो एक एड आता था अंबुजा सीमेंट का, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, यस सर, यस ना अंबुजा सीमेंट का वो जो एड आता था, भैया ये दीवार टूटती नहीं है, तो उसमें क्या था, फोर्स अप्लाई कर रहे थे फिर भी दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, फोर्स अप्लाई किया दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है सर, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन तो जीरो आएगा ही सर, नो डाउट वहां पर वर्क डन जीरो आएगा। लेकिन हमने वो पॉटर वाला एग्जांपल भी देखा था कि कूली को हमने क्या कर दिया, वो वरुण धवन है, ऐसी बेवकूफ है वो, दिखता ही बेवकूफ है, अच्छा दिखता है नो डाउट, लेकिन कूली बेवकूफ था वो, तो वो अगर तुम उसे लोड रेलवे स्टेशन से बाहर भी निकलवा लेते और तुम उसको ऐसा समझाते कि वर्क डन बाई वेट तो जीरो हो गया, वो शायद मान भी जाता एक टाइम के लिए। क्यों मान जाता, कैसे आप समझाते उसको, आप ये बोलते कि फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री था तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो वो मान भी जाता तुम्हारी बात। आया क्या बात समझ में? यस सर। अर्पित सर, इधर दो टाइप के फोर्स लगेंगे ना उस ऑब्जेक्ट पे, एक होगा टेंशन और फिर दूसरा एमजी, की सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स लगेगा? किधर दो तरह, कहां पे दो तरह के फोर्स लग रहे? यहाँ पर पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा था फ्रिक्शन के कारण, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक रोड है, ये क्या था, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था, एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो ये प्लेन और प्लेन में ऐसे चक्कर लगा रहे, तो कौन चक्कर लगाने में हेल्प कर रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका फ्रिक्शन होता है। जैसे हमने देखा था ना वो जो रोड होते हैं, रोड में वो जो बाइक होती है, कार होती है, वो जब सर्कल में घूमती है तो कौन मदद करता है घूमने के लिए, फ्रिक्शन मदद करता है। सर, अगर फ्रिक्शन गाड़ी को चलने में भी फ्रिक्शन ही मदद करता है, मतलब बिल्कुल, व्हील बिल्कुल, तो अगर रहता है, तो व्हील्स रोटेट नहीं कर पाएंगे। हम आगे रोलिंग मोशन पढ़ेंगे रोटेशन में, उसमें बताएंगे कि पहिए का जो घूमना हो पाया है वो फ्रिक्शन के कारण हो पाया है, मतलब हम तुमको बताएंगे कि फ्रिक्शन कितना अच्छा तुम्हारा फ्रेंड है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता। सर, बहुत तो फिल्म में क्या होता है कि मड में कार घूमते रहता है बट आगे नहीं बढ़ता, वो फ्रिक्शन के कारण ही। वो सब हम बात करेंगे, लाइकली छपरी छपरी बाइक सर के टीम। अरे नहीं नहीं, ऐसी बाइक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये डाउट समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर, यस सर। किसी को कोई क्लियर, अभी भी कोई डाउट लग रहा है क्या? सर मेरे को ये नहीं समझ में आया। देखो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना, कभी कभी गले से उतरती नहीं है, मतलब बोलता है सर सुन तो लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन वो जो होता है ना सर कि पच जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है सर। तो आप कुछ कुछ बातों को ना याद कर लो पोटेंशियल एनर्जी में। सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये नहीं कि एनर्जी प्रोसेस बाय अ पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ये वो वे वो, ये मत याद रखना। सिस्टम को बनाने के लिए, बिल्कुल सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब मैं और भी वर्क डन करता है वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसी डेफिनेशन से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये हमने क्या किया था, यहां से फाइंड आउट किया था। अच्छा सर, अब मैंने आपको दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला, एक तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला, दूसरा मैंने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोला मैंने। अच्छा, फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बाद मैंने बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जान चुके हो तो कंजर्वेटिव फोर्स भी जान लो। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, ऐसा फोर्स था जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करे, उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा सर, चलो ये बात भी समझ में आ गया। अब कंजर्वेटिव फोर्स जो है, अगर एक कंप्लीट पाथ में आप घूम जाओगे, अगर एक कंप्लीट पाथ में घूम जाओगे, अब जरूरी नहीं कि कंप्लीट पाथ सर्कल हो, आप रेक्टेंगल जाओ, आप स्क्वायर जाओ, आप डायगोनल ऐसे वैसे जाके भी आप जहां नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में भी सर होगा ना? नहीं नहीं, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब आना और जाना अगर उधर नहीं होगा, जैसे जाओगे और आओगे तब ऐसा हो जाएगा, तब ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन आपको पीछे भी आना है, जितना आगे गए उतना घूम के अगर पीछे आ गए तो उस केस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है क्या सर? नहीं, फ्रिक्शन का वर्क डन होगा कितना होगा, तो यहां से यहां का वर्क डन कैलकुलेट करो, यहां से यहां का वर्क डन कैलकुलेट करो, ऐड करो, वो नेट वर्क डन के बराबर होगा। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है।
आया क्या समझ में? यस सर। सर लेकिन दोनों का फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। दोनों का फ्रिक्शन मतलब किसका फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वहां यहां से वहां तक गए। अगर एक ही रास्ता है, अगर रास्ता एक ही है तो यहां से यहां जाने में फ्रिक्शन फोर्स जितना लगेगा, यहां से आने में फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, दोनों सेम लगेगा। लेकिन देखो यहां से यहां का वर्क डन अगर देखोगे, जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स इधर होगा, तो ये वर्क डन नेगेटिव। जब पार्टिकल घूम रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स उधर होगा, तो ये वर्क डन भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव वर्क डन जब आप ऐड करोगे तो बड़ा नेगेटिव का वर्क डन आ जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है ना, बात समझ में आया? यस सर। जितने लोग प्रेजेंट हैं सबको ये बात समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स आइडेंटिफाई करो। मैं तीन एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल वन है 2i cap + 3j cap। एग्जाम्पल टू है, ये फोर्स गिवन है, फोर्स हमारे पास गिवन है 2i cap + 3j cap। सेकेंड एग्जाम्पल में पता है कैसे करना, पता है ना? ओके, देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जो फोर्स है वो गिवन है 2xi cap + 3yj cap। और थर्ड जो एग्जांपल है, एग्जांपल थ्री जो है, वो ऐसा गिवन है y²i cap + x²j cap। और क्वेश्चन ये बोला गया है तीनों ही केसेस में, फॉर मतलब एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री, तीनों ही के लिए, कि द पार्टिकल हैज टू बी डिस्प्लेस्ड, the particle has to be displaced from 1, 1 to 2, 2। मान लो ऐसा बोला गया, और हमें क्या करना है, find the work done in each of the case, find the work done in each of द केस। मान लो ये इन्होंने बोल दिया कि अगर फोर्स वेक्टर जो है, दैट इज 2i cap + 3j cap, 2xi cap + 3yj cap और y²i cap + x²j cap, और ये तीनों एग्जांपल के आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, जब फोर्स ऐसे वेक्टर में गिवन होता है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर है, dxi cap + dy j cap + dz k cap, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ पर ना dz की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, फोर्स का कोई भी कंपोनेंट z के अलोंग नहीं है, मतलब फोर्स के जो मैंने कंपोनेंट्स दिए हैं वो या तो x के अलोंग है या y के अलोंग, x के अलोंग, y के अलोंग, x के अलोंग, y के अलोंग, मतलब फोर्स का अगर z कंपोनेंट है ही नहीं तो z के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना। ये जो वर्क डन बनता है, वर्क डन में क्या होगा, जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो आप वर्क डन को ये लिखते हो ना, फोर्स का x कंपोनेंट dx, फोर्स का y कंपोनेंट dy, फोर्स का z कंपोनेंट dz, ऐसा लिखते हो क्या? यस सर। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ऐसा ही कुछ आता है। अब अगर fz का कंपोनेंट नहीं है तो fz dz तो जीरो हो जाएगा ना। यस सर। बहुत टफ लग रहा है क्या? यस सर, थोड़ा टफ लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा समझ में भी आ रहा है। सर, सर ये तीनों को वैसे ही करना है ना, इनका तीन कंडीशन जो रहता है। एक मिनट, क्या कंफ्यूजिंग, मैं फिर से बता दूंगा, बोलो क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये वर्क डन कैसे लिखा? समझा देंगे। अच्छा, मैं देखो वापस से बात करता हूँ। हम लोग, हमारे पास ना एक साथ तीन क्वेश्चन गिवन है, मतलब वो होता है ना तीन गाने बैक टू बैक, वो कभी रेडियो चैनल सुन रहे होगा तो वो बताएंगे तीन गाने बैक टू बैक, पांच गाने बैक टू बैक, तो वैसे ही हमने टाइम को सेव करने के लिए तीन क्वेश्चन बैक टू बैक दे दिया। अब तुम ये मत सोचना सर एक क्वेश्चन बन नहीं रहा था, आपने तीन क्वेश्चन दे दिया, मतलब तीन बार निराश होना है क्या सर? एक क्वेश्चन नहीं, पहला वाला कंजर्वेटिव है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर तीन बार निराश होंगे क्या? नहीं, आपको एक बार मैं तरीका बता दूंगा, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन क्या बोला गया, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तीनों फोर्सेस के लिए आपको अलग अलग से वर्क डन कैलकुलेट करना है। जब आप पार्टिकल को क्या करोगे, 1, 1 से लेके 2, 2 तक डिस्प्लेस करो, मतलब ये जो पार्टिकल है अगर उसको मैं इस फोर्स से 1, 1 से लेके 2, 2 तक डिस्प्लेस करूं तो वर्क डन कितना होगा, इस वाले फोर्स के लिए वर्क डन कितना होगा, इस वाले फोर्स के लिए कितना वर्क डन होगा, वो कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी फोर्स ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में गिवन हो और आपसे वो बोले कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से लिखोगे, dx i cap
dy is j cap plus dz k cap. इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी डिस्प्लेसमेंट था आपने उसको क्या कर दिया, कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, dxi cap dy j cap plus dz k cap. अब फोर्स जो है, इन जनरल फोर्स जो है, आप फोर्स को भी तो उसके कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो ना, fxi cap fy j cap fz k cap. ये जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर को भी तो कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है. फोर्स वेक्टर पता है कॉम्पोनेंट के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है कॉम्पोनेंट के फॉर्म में. तो ये जो छोटा सा वर्क डन होगा dw, ये जो छोटा सा वर्क डन dw होगा, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है. तो ये जो dw होगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे fx dx plus fy dy plus fz dz, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना, बोलो. यस सर. यहां तक किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो, ऐसा लिख सकते हैं सर. इसको एक भी तरीके से करते हैं ना, जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो डेल वाला, डेल एक्स वाई वाई एक्स वाला. ये सबसे आसान तरीका है, जो बता दो सबसे आसान है, अब इसे आराम से पता लग जाएगा. मैं स्मॉल वर्क डन dw को, देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन को आप क्या लिखते हो, वर्क डन को तो यही लिखते हो ना, स्मॉल वर्क डन dw जो होगा वो हो जाएगा f वेक्टर डॉट ds वेक्टर. तो मैंने दोनों फोर्सेस का या दोनों वेक्टर्स का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया. तो पहला प्रोडक्ट होगा fx dx fy dy fz dz. सबको डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना? यस सर. सर प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे. सबको ये समझ में आ रहा है क्या ये बात? यस सर. यस. ओके. तो मेरे पास अगर ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन अगर ऐसा मैंने लिखा, तो जो नेट वर्क डन होगा dw, नेट वर्क डन dw को आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन f dx प्लस इंटीग्रेशन f y dy प्लस इंटीग्रेशन f z dz. अब मैंने क्या बोला ना कि देखो जितने भी फोर्सेस मैंने दिए ना, उसमें z कॉम्पोनेंट तो है नहीं सर. तो अगर ये फोर्स जीरो है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? नो सर. अच्छा, अब एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. मान लो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन में, एग्जाम्पल नंबर वन में फोर्स था 2i कैप प्लस 3j कैप. ठीक है, तो जो छोटा सा वर्क डन था, ये छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा? fx dx प्लस fy dy. अब नेट वर्क डन w जो है वो इसका इंटीग्रेशन है. fx के प्लेस में यहाँ पे 2 है, डिस्प्लेसमेंट dx लिखा इंटीग्रेशन में, fy के प्लेस में यहाँ पर 3 है, dy लिख दिया. ये समझ में आया क्या मैंने कैसे लिखा? यस सर. अच्छा, अब देखो x का लिमिट, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करना है तो x का लिमिट पुट करोगे. x का जो वैल्यू है अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक चेंज हो रहा है, y का वैल्यू भी 1 से लेके 2 तक चेंज हो रहा है. तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? x का लोअर वैल्यू था 1, अपर वैल्यू जाना है 2. x का लोअर, y का लोअर वैल्यू है 1, अपर वैल्यू जाना है 2. अब आप ये बोलो, आप ये सॉल्व कर सकते हो या नहीं? ये इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? यस सर. रिस्पॉन्ड करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सर कर लेंगे. ये सॉल्व कर पाएंगे क्या आगे? यस सर. यस सर. कितने लोग प्रेजेंट है? सिर्फ 33 प्रेजेंट है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही. अरे जितने प्रेजेंट है वो तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना? यस सर. अच्छा, एग्जांपल 2 अगर देखोगे तो उसमें इन्होंने फोर्स वेक्टर कितना बताया है? एग्जांपल 2 में फोर्स वेक्टर बताया है 2xi कैप प्लस 2yj कैप. अब देखो अगर आप वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? fx, fx के प्लेस में 2x, 2x dx इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 तक प्लस 2y dy इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, सॉरी 3y dy इंटीग्रेशन 1 से 2x. अब बताओ इसका इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? यस. इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन जब आप एग्जांपल 3 सॉल्व करने आओगे तो एग्जांपल 3 का फोर्स था y square i cap plus x square j cap. तो जब आप यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वो ऐसा आ जाए क्या? y square dx plus integration x square dy. ये इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? y square dx या x square dy, ये इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? नो सर. नहीं, ये तब हो सकता था जब मैंने y और x में अगर मैं आपको कोई रिलेशन बता दूं, जैसे मैं अगर आपको ये बोल दूं कि y is equal to x square है अगर,
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैंने आपको y और x में अगर एक रिलेशन बता दिया होता तब आप y के प्लेस में यहाँ पर x टू द पावर 4 कर देते तो x टू द पावर कितना हो जाता, x टू द पावर 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता था सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के प्लेस में y पुट कर देते हो y dy, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाता सर। लेकिन y और x में रिलेशन बता दिया, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता दिया क्या? यस सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने आपने कहां पे पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल में y और x रिलेशन आया था क्या, y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta आया था क्या ऐसा? सर वही ना जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट। बहुत टफ लग रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आई कैन देखो, हमने सीधा सा बोला पहला जो फोर्स है उसमें देखो वर्क डन करने के लिए कोई वाई और एक्स का रिलेशन नहीं चाहिए, वाई और एक्स का रिलेशन नहीं चाहिए मतलब इक्वेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस इनिशियल पोजिशन पता होना चाहिए, इनिशियल पोजिशन क्या है 1, फाइनल पोजिशन क्या है 2, आराम से सॉल्व करेंगे वर्क डन आ जाएगा। मतलब ये फोर्स कैसा था, ये फोर्स था कंजर्वेटिव। क्यों कंजर्वेटिव है सर? क्योंकि पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वाला फोर्स देखो, यहाँ पर भी आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आराम से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे बिना एक्स और वाई का रिलेशन जानने बिना। तो ये भी फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। लेकिन इस वाले फोर्स को सॉल्व करने के लिए, यहाँ के बाद सॉल्व करने के लिए अपने को वाई और एक्स के बीच में एक रिलेशन चाहिए सर, y और x के बीच में रिलेशन चाहिए मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए। जब तक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं मिलेगा तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर चाहिए मतलब पाथ अगर चाहिए तो ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फोर्सेस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, तो जब भी ऐसा कॉन्स्टेंट फोर्स दिखे तो बोल देना कंजर्वेटिव है, जब भी ऐसा x का मतलब फोर्स का x कंपोनेंट i के साथ है, फोर्स का y कंपोनेंट j के साथ है, ऐसा कुछ दिखे मतलब आप सीधा अगर इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड आउट कर पाओ ना तो लिख देना कंजर्वेटिव है, इंटीग्रेट करके अगर आंसर ना मिल पाए तो लिख देंगे वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो आई होप कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव सबको समझ में आ चुका है। इसका आंसर तब लिखेगा जब आपको ये पता होगा, अगर ये नहीं पता होता तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते। और ये y और x square में, x में रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने y is equal to x square मान लिया, कोई बोलता कि सर रूट y जो है वो x to the power 3 के इक्वल है, तो कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक पाथ चाहिए होगा, पाथ चाहिए मतलब y और x में रिलेशन चाहिए, अगर y और x में रिलेशन नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दे उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स। आया समझ में? मैं कोई भी बुक से डाउट पूछ सकते हो किसी और की आरटी हो, जो भी हो, तुम जहां से मन करता है वहां से डाउट पूछ सकते हो। डाउट के लिए कोई बुक ये नहीं कंफाइंड नहीं कि सर मैं सिर्फ एनसीईआरटी का ही डाउट बताऊंगा, मैं सिर्फ एलन मेडिकल का डाउट बताऊंगा, तुम डाउट कहीं से ही पूछो, डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना? यस सर। चलो एंड करते हैं मीटिंग अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।